Shri Pradeep Tamta ji. Maniyab Swabhati, I am very grateful for you. You have given me the opportunity to speak on this topic. This is a basic samasya and our sthani samasya. We can't part it in two parts. But the thinking of our thoughts, the world has the western countries, the developed countries, उन्होंने जो कमिटमेंट किए थे कि दुनिया में बनाएंगे फंड बनाएंगे जो दुनिया के पैमाने में टेक्नोलॉजी के अंदर जो परिवर्तन होने चाहिए उसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन किया है नहीं किया उस पर क्या है पेरिस एग्रीमेंट के बाद क्या बदलाव है लेकिन उसी के साथ हिंदुस्तान में भी दो तरह की समस्याएं एक तरह तो प्रोफेसर रामगोपाल जी ने जैसा कहा भी है कि एक सर्वाइवल का इमिशन है जो किसानों से खेती से आ रहा है और जो तरफ लग्जरी का इमिशन है उसके प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है दूसरा सवाल है क्लाइमेट चेंज वास्तविक संकट है और दुनिया को और भारत को सबसे ज्यादा और दुनिया में भी भारत में भी अगर सबसे ज्यादा विक्टिम्स कोई हैं जिनके ऊपर सबसे बड़ी मार पड़ी है वो तबका गरीब तबका है केरल की बाढ़ हो ऐतिहासिक हो जो 100 वर्षों के बाद आई या 2013 का क्या कहते हैं उत्तराखंड का जो फ्लड है जिसको हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं उससे सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो सामान्य वर्ग को आम आदमी को प्रभावित किया हमारी खेती हमारी किसान हमारे गरीब पर इसका असर पड़ रहा है क्या इसके संदर्भ में सरकारों ने कोई अध्ययन किया जो हिंदुस्तान के सब 2500 किलोमीटर को जो हिमालय है जिस हिमालय को हम भारत की सभ्यता का प्रतीक मानते हैं अगर हिमालय बचेगा तो हमारी नदियां बचेंगे लेकिन हमारे हिमालय और नदियां तब बचेंगे जब हमारे जंगल बचेंगे क्या उन जंगलों को बचाने का कार्यक्रम हो रहा एक तरफ छोटे छोटे विकास के मामले में लोगों को रोक दिया जाता और दूसरी ओर क्लाइमेट चेंज बाढ़ में जाए इतने बड़े बड़े डैम बनाने दिए जा रहे हजारों लोग क्या कहते हैं डिस्प्लेस हो रहे वहां पर हम क्लाइमेट चेंज के को क्यों भूल जाते हैं हमारे क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं उत्तराखंड में 500 डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है करीब करीब 4-5 लाख लोग डिस्प्लेसमेंट होंगे 31,000 परिवार डिस्प्लेसमेंट होंगे बायोडायवर्सिटी लाख तबाह हो जाएगी क्या उसके बारे में हम कभी सोच रहे हैं जो गरीब को प्रोवाइड कर रही है हजारों लोग डिस्प्लेस में क्या उनको रिहेबिलिटेशन करने की हमारी समस्या हमारे पास जमीन है क्या हमने डैम के इफेक्ट्स को इसका कोई अध्ययन किया है हजारों हजार डैम हिमालय पर कम से कम भारत सरकार कह रही है 2092 डैम बनाने जा रहे हैं आपकी बिजली की समस्या है सबसे बड़ा सोलर है आप उस ओर क्यों नहीं जाते धन्यवाद धन्यवाद तो ये सवाल है महत्वपूर्ण इन सवालों को लोगों के दृष्टिकोण से इस क्लाइमेट चेंज का क्या असर है इस पर भी हमको समझना चाहिए विचार करना चाहिए धन्यवाद धन्यवाद